हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सोनू स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्द आ रहे हैं NTPC में, जैसे IP का फुल फॉर्म, मैन का फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म, कंप्यूटर फुल फॉर्म, इस तरह की चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हम देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, इनपुट IO अपॉन का फुल फॉर्म इनपुट ऑब्लिक आउटपुट होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, IT का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, IBM की फुल फॉर्म बात करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है फ्रेंड्स। JDS की बात करेंगे तो जावा डेस्कटॉप सिस्टम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जावा डेस्कटॉप सिस्टम। फ्रेंड्स, JMS की बात करेंगे, JMS तो जावा मैसेज सर्विस। क्या होता है फ्रेंड्स? जावा मैसेज सर्विस। और फ्रेंड्स, JNI की बात करेंगे तो जावा नेटिव इंटरफेस। क्या होता है फ्रेंड्स? जावा नेटिव इंटरफेस। और फ्रेंड्स, JSON की बात करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSP की बात करेंगे तो जावा सर्वर पेजेस। क्या होता है फ्रेंड्स? जावा सर्वर पेजेस। और फ्रेंड्स, KB की बात करेंगे। क्या फ्रेंड? KB, अगर फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, KB अगर भी जो है आपका स्मॉल लेटर में है तो किलो बीट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? किलो बीट। आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज करने के लिए KB का फुल फॉर्म किलो बाइट, किलो अगर कैपिटल लेटर में तो किलो बाइट होता है। ये फ्रेंड्स याद रखिए, किलो बिट और किलो बाइट में बहुत अंतर है। और फ्रेंड्स, LCD की बात करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल यूनिट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लिक्विड क्रिस्टल यूनिट। और मैनेट की बात करेंगे तो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। क्या होता है फ्रेंड्स? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। फ्रेंड्स, MB की बात करेंगे तो मेगाबाइट, और GB होता है गीगाबाइट, और TB होता है फ्रेंड्स टेराबाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में अगर पूछ लिया आपको GB TB तो टेराबाइट होता है TB, और GB होता है गीगाबाइट। और नॉज की बात करेंगे तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ्रेंड्स, NTP की बात करेंगे तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है फ्रेंड्स। OMR की बात करेंगे, क्या होता है OMR? तो फ्रेंड्स, ये वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कहने मतलब जिसमें हम OMR जो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो एक हमें OMR शीट मिलती है उसी को कहने मतलब डाल के हम एग्ज़ाम का जो नंबर्स होता है, कहने मतलब जिसके कितने क्वेश्चन सही है रॉन्ग है, कंप्यूटर फीड होता है, इसी के द्वारा OMR के द्वारा कहने मतलब कॉपी को चेक की जाती है। तो क्या जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है OMR का? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे PSTN की, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होता है फ्रेंड्स? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे CD-ROM की। CD-ROM क्या होता है? चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। और फ्रेंड्स, कोबोल की बात करेंगे। कोबोल जो है कहने मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक प्रकार की क्या है? भाषा है। ठीक है, क्या होता है कोबोल? यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फ्रेंड्स, CAE की बात करेंगे। CAE तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके NTPC में आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और मैं गारंटी से 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कहीं भी नहीं जाएगा। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए फ्रेंड्स,
मैं आपको 100% श्योर गारंटी देता हूँ। इसके बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तब कहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। CDR की बात करेंगे तो CD रिकॉर्डेबल, क्या होता है? CD रिकॉर्डेबल। और फ्रेंड्स CRT की बात करेंगे, CRT कैथेड रे ट्यूब। फ्रेंड्स CLI छोड़ गया है, CLI की बात करेंगे तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है फ्रेंड। और CT की बात करेंगे तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे CTL की बात करेंगे तो कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक, क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक। और फ्रेंड्स CUA की बात करेंगे तो कॉमन यूज़र एक्सेस होता है, क्या होता है? कॉमन यूज़र एक्सेस। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे ABCDIC की बात करें तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बहुत ही आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स। ये आपको अगर आप CCC करने जा रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये अधिकतर कहने मतलब जब CCC का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स तो वहाँ पे बहुत पूछा जाता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपके NTPC आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये। EDO का फुल फॉर्म पूछेंगे, EDO क्या होता है? EDO तो एक्सटेंडेड डाटा आउट होता है, क्या होता है? एक्सटेंडेड डाटा आउट। EUC की बात करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिक्स कोड होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यह हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, 8 जनवरी का जब एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था फॉरट्रान का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉरट्रान ये पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा FS। FS का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल सिस्टम, क्या होता है फ्रेंड्स? फाइल सिस्टम। और फ्रेंड्स बात करेंगे FTP की, ये फ्रेंड्स अधिकतर पूछ लिया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। ये होता है गैस, GAIS का फुल फॉर्म गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर हाँ फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करके ही जाइएगा ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स देखें इस वीडियो को उनको भी NTPC आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे जैसे हमने आपको बताया था GB, तो GB होता है गीगाबाइट और कैपिटल बी होता है, ये गीगाबिट होता है GB, और अगर बी लग के आया कैपिटल बी तो गीगाबाइट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? गीगाबाइट। और फ्रेंड्स HTTP भी आप ये देख रहा होगा, HTTP फ्रेंड्स HTTP देख रहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML देख रहा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फ्रेंड्स दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स HTTP एंड HTML। तो फ्रेंड्स ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग है बट क्या है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स इसकी हम बात करेंगे PSDN की बात करेंगे तो इसकी होती है फ्रेंड्स पॉकेट स्विच्ड, क्या होता है फ्रेंड्स? पॉकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। फ्रेंड्स पिंग की बात करेंगे तो पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर होता है फ्रेंड्स। रोम की बात करेंगे PROM होता है, PROM की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स QDR की बात करेंगे तो क्वाड डाटा रेट होता है फ्रेंड्स, क्वाड डाटा रेट। फ्रेंड्स QPF की बात करें QFP की तो क्वार्टेड फॉर परफॉर्मेंस, क्या होता है? परमानेंस होता है फ्रेंड्स। QoS की बात करें क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्रेंड्स। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे रैब एमएन की बात करेंगे तो रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। और फ्रेंड्स बात करेंगे सैन की शॉर्टेज एरिया नेटवर्क, ये सैन शॉर्टेज एरिया नेटवर्क। और SAX की बात करें SAX की तो सिंपल API फॉर XML।
और फ्रेंड्स हम बात करेंगे SBU की, स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट, क्या होता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट। फ्रेंड SDL की बात करेंगे, SDL की होता है सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर्स, क्या होता है फ्रेंड्स सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे SDR की, SDR की होता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, क्या होता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। फ्रेंड्स हम बात करेंगे SQL की, SQL की होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। TCP की बात करें फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या होता है फ्रेंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। और UAE की बात करें यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है फ्रेंड्स, क्या होता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे पूरा देखें। फ्रेंड्स URL, ये फ्रेंड्स URL बहुत ही पूछा जा रहा है इस समय, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एग्ज़ाम में NTPC में रोज़ कभी ना कभी आने वाले एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, URL हो गया, फॉर्ट्रान हो गया, ईमेल हो गया, इस तरह क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा था मॉडेम का, मॉडेम होता है मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। फ्रेंड्स मॉडेम, फ्रेंड्स मॉडेम होता है मॉडेम, तो होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडेम। और फ्रेंड्स VFS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल वर्चुअल फाइल सिस्टम, क्या होता है वर्चुअल फाइल सिस्टम। और फ्रेंड्स इसकी हम बात करेंगे VGA की, VGA की भी होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसकी VLN की, तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VOD की बात करेंगे तो वीडियो ऑन डिमांड। VPN की बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WAFS की बात करेंगे वाइड एरिया फाइल सर्विस, वाईफाई की वायरलेस फेडलिटी। फ्रेंड्स ये सारे वीडियो या सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स बात करेंगे WMA की विंडो मीडिया ऑडियो, WL की वेक ऑन लैन। फ्रेंड्स WOM की बात करेंगे वोक ऑन मॉडेम। और फ्रेंड्स ज़्यादा अब कुछ नहीं है, WPA की बात करेंगे तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WMAN की बात करेंगे वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, WID की बात करेंगे वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर। और फिर WW की बात करेंगे तो WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके NTPC के लिए। और फ्रेंड्स XMS का फुल फॉर्म होता है एक्स मल्टीमीडिया सिस्टम, क्या होता है फ्रेंड्स एक्स मल्टीमीडिया सिस्टम। और फ्रेंड्स बस लास्ट रह गया है XNS का, जीरोक्स नेटवर्क सर्विस, जीरोक्स तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। GIFS का फुल फॉर्म होता है जीरो इंस्ट्रक्शन फोर्स सॉकेट। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके लिए कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म। हाँ फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो आने वाले NTPC के एग्ज़ाम हैं उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। फ्रेंड्स तो आज के बाद हम अपने कहने मतलब ये इस चैनल में कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स, और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लाते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत दोस्तों।